हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू अनदर वीडियो। सो गाइस मैं छोटा सा एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ किस कैसे हम लोग ARK मोबाइल को अपडेट जो आया है वो हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं करना है, छोटा सा ही अपडेट आया है तो 100 MB का 63 MB का है शायद। तो उसको डाउनलोड करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले चाहिए डोडोरेक्स ऐप चाहिए आप लोगों को, और डोडोरेक्स ऐप आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो पहले, तो गूगल पे या फिर प्ले स्टोर से। और अपना एंड्रॉयड iOS दोनों डिवाइस पे आप लोग अपडेट कर पाएंगे। और इसको होने के बाद डोडोरेक्स ऐप को ओपन करके सबसे नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पे है ARK मोबाइल का ऑप्शन है, जो यहाँ पे क्लिक करना है। और उसके बाद यहाँ से आप लोग न्यू अपडेट जो छोटा सा आया है उसको यहाँ से आप लोग इंस्टॉल कर सकते हो। और ज़्यादा कुछ नहीं है गाइस, छोटा सा पता नहीं किस लिए आया ये अपडेट, इसका मुझे इतना ज़्यादा बेनिफिट तो नहीं लगा। और अभी तक प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल नहीं हुआ है, सिर्फ यहाँ पे डोडोरेक्स से हम लोग इसको कर सकते हैं आराम से, एकदम कुछ भी यहाँ झमेला नहीं है। तो 63.32 MB का अपडेट है, तो इसको आराम से यहाँ से अपडेट कर लो, फिर आप लोग प्ले कर सकते हो। और एक इम्पोर्टेंट बात गाइस, ये अपडेट के बाद जितना भी पुराना चीज़ जो चल रहा था तो उसका छोटा सा यहाँ पे चेंज हो गया है। तो जितने भी बंदे हैक वगैरह होते थे ना गाइस, वो सब उड़ चुका है अब। और एक बात गाइस, आप लोग अगर प्ले स्टोर पे तो नहीं है और आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं अपने डिवाइस पे, तो मैं नीचे लिंक पर मेरा डिस्कॉर्ड का सर्वर का लिंक दे दूँगा, वहाँ पे ज्वाइन होके आप लोगों को यहाँ पे मेरे सर्वर पे DC सर्वर पे आके सर्च करना है डाउनलोड ARK मोबाइल करके। यहाँ पे मैंने एक चैनल बनाया है, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हो कि डाउनलोड कैसे कर सकते हो अपने डिवाइस पे ARK सर्वाइवल मोबाइल को, ठीक है गाइस। तो गाइस आज के वीडियो पे इतना ही गाइस, और ऐसे करके डाउनलोड करके अपडेट करके आप लोग आराम से अपने डिवाइस पे प्ले कर सकते हो गेम को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे गाइस, टेक केयर एंड गुड बाय गाइस।